गिन्नी, कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि आखिर घर में चोरी कौन कर रहा है। मम्मी, आप अपने मैजिक से देख लो ना कि कौन है, कहां पर बैठा है। मैंने कई बार देखा है गिन्नी, एक गुफा है जिसमें चोर छुपकर बैठा हुआ है। पर वो है कौन? गुफा में इतना अंधेरा है कि कोई चेहरा दिखाई ही नहीं देता। ओह, फिर तो कुछ नहीं हो सकता। पर गिन्नी, ऐसा कब तक चलेगा? अच्छा, अब तुम सो जाओ, रात काफी हो गई है, मैं ही कुछ देखती हूँ। मम्मी को बहुत चिंता हो रही है, ये चोर कौन हो सकता है? लगता है चोर के पास भी लाइट नहीं है, जिसकी वजह से वो अंधेरे में ही रहता है। हाँ, अब लाइट बंद हो गई है ना? अब चोर आया है। लगता है भाग गया। मम्मी नहीं है तो मैं तुम्हारी बात मानूंगा। बाहर आओ, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूंगी। वाह, तुम तो मैजिक भी जानती हो। इसलिए तो तुमसे कह रही हूँ कि मुझसे पंगा मत लो। शायद से तुम ये बोल रही हो कि तुम्हारी मम्मी ने बोला था कि तुम किसी को अपने मैजिक से नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अगर ऐसा किया तो तुम्हारी मैजिक पावर चली जाएगी। मैं तुम पर मैजिक का ना सही, पर अपने हाथों का तो इस्तेमाल कर सकती हूँ ना। देखते हैं तुम कहाँ तक मेरे पीछे आती हो। वही है वो गुफा का रास्ता जिसमें ये चोर रहता है। इसे क्या लगता है, मैं इससे बड़ी हूँ तो अंदर नहीं आ पाऊंगी? इस चोर को तो मैं देख लूंगी। इकट्ठा किया है इसने हमारे घर का सारा सामान। तुम मेरे घर कैसे आ गए? जैसे तुम मेरे घर आ गए चोरी करने। चुपचाप इस बॉक्स में आ जाओ और मेरे साथ हमारे घर से दूर जंगल में चलो। ऐसा कभी नहीं होगा। आज तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। अब कुछ तोड़फोड़ तुम्हारे घर में भी आ जाए। ये तो चीटिंग है। तुम जो कर रहे थे उसकी सजा यही है। आपने बिल्कुल सही कहा मम्मी। मुझे माफ कर दो, मैं आगे से बिल्कुल तंग नहीं करूंगा आपको। मुझे छोड़ दो। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम हमें ना सही किसी और को तंग कर सकते हो। तुम्हारे रहने की जगह ये नहीं है, जंगल है, तुम्हें वहीं जाना होगा।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और हर रोज देखिए ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ।